जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं PR के अनबॉक्सिंग। दोस्तों मेरी माँ ने मुझे एक ही बात सिखाई है, बेटा कोई हाथ से छीन सकता है नसीब से नहीं। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नोकिया 5310 भारत में हुआ लॉन्च, एक बार फिर चार्ज होने पर 22 दिन तक चलेगी बैटरी। दोस्तों इसका पूरा अपडेट मैं आज आपको देने वाला हूं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्यार वाला रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना, इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साइड में बेल आइकन दिख रहा है उसे प्रेस कर लेना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों मैं इसकी सारी अपडेट आपको देता हूँ। नोकिया 5310 भारत में हुआ लॉन्च, एक बार चार्ज होने पर 22 दिन तक चलेगी बैटरी। नोकिया ने अपने आइसक्रीन फीचर को फ़ोन नोकिया 5310 को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है। नोकिया 5310 साल 2007 में लॉन्च हुआ था। नोकिया 5310 स्पोर्टिव म्यूजिक का अपडेट वर्जन है। नोकिया 5310 में डुअल सिम सपोर्ट दिया गया है। इसके अलावा फ़ोन की बैटरी को लेकर 22 दिनों के बैकअप का दावा किया गया है। नोकिया 5310 में यूज़र को प्री लोटस MP3 प्लेयर और FM रेडियो भी मिलेगा। इसके अलावा फ़ोन में म्यूजिक के लिए एक खास बटन दिया गया है और उसके साथ ही में डुअल स्पीकर भी है। फ़ोन के रियल पैनल पर कैमरा सेंसर है जिसके साथ LED फ्लैश लाइट भी। नोकिया 5310 की कीमत भारत में 3,399 रुपये है। यह फ़ोन ब्लैक, रेड और वाइट रेड कलर वेराइटी में मिलेगा। इसकी बिक्री 23 जून से अमेजोन इंडिया और नोकिया के ऑनलाइन स्टोर से होगी। नोकिया 5310 की प्री बुकिंग आज से शुरू हो गई है। ऑफलाइन स्टोर से फ्री इसकी बिक्री 22 जुलाई से होगी। नोकिया 5310 की स्पेशलिटी इसमें क्या है? फ़ोन में डुअल सिम सपोर्ट है। इसके अलावा इसमें 2.4 इंच की QVGA डिस्प्ले है जिसका रिजोल्यूशन 240x320 पिक्सल है। नोकिया 5310 में मीडिकिस का MT6260A प्रोसेसर है। इसके अलावा इसके अंदर 8 MB रैम के साथ 16 MB की स्टोरेज मिलेगी जिसके मेमोरी कार्ड की मदद से 32 GB तक बढ़ाया जा सकेगा। फ़ोन में रियल पैनल पर विजिस कैमरा है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें ब्लूटूथ V3.0 माइक्रो USB पोर्ट है। 3.5 mm का हेडफोन जैक और FM रेडियो है। इसकी बैटरी को लेकर 20 घंटे का टॉक टाइम और 22 दिन का स्टोवाय का दावा किया गया है। फ़ोन में 2 GB रैम का 2 GB का सपोर्ट होगा। दोस्तों ये जानकारी थी, उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आएगा। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना, वीडियो शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।